अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार में जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया, छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर के जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध किया, बिहार बंद हुआ, भारत बंद हुआ, जिस तरीके से बिहार में उपद्रव मचाए गए, छात्रों ने ट्रेनों को जलाई, लेकिन क्या वो छात्र थे, इस पर एक बड़ा प्रश्न और बड़ा डिबेट छिड़ता रहा कि क्या अग्निपथ योजना के विरोध की आड़ में छात्रों का फायदा उठाया गया। छात्रों ने सिर्फ दो ही दिन प्रदर्शन किया, उसके बाद से सभी उपद्रवी शामिल हुए और उपद्रवी के शामिल होने के बाद से बिहार में जिस तरीके से लगातार जो माहौल बना हुआ था और जिस तरीके से लगातार जो चीज़ें, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि दिन में ट्रेनें नहीं चली, रात्रि के समय में ट्रेनें चली। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कोरोना के बाद से कि उपद्रव में जो है ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, यात्री परेशान रहे, राहगीर परेशान रहे, जिस तरीके से जो तांडव मचाया गया उपद्रवियों को लेकर के, रेलवे को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान का सामना करना पड़ा। आपने तस्वीरें देखी दानापुर रेलवे स्टेशन की, आपने तस्वीरें देखी मसौढ़ी के तारे तना रेलवे स्टेशन की, वहाँ पे जिस तरीके से रेलवे के बोगियों में आग लगाया गया, रेलवे के अंदर जा कर के ऑफिस में, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिस तरीके से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया अग्निपथ योजना के विरोध की आड़ में उपद्रवी शामिल हुए, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न ये उठ रहा था कि आखिर ये कौन है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि इन पर कार्रवाई की मांग की जाए, कार्रवाई की जाए। तो हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के विरोध में हंगामा करने वालों के खिलाफ में एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है, आगे के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले लोगों से नष्ट की गई सरकारी संपत्ति का मुआवजा वसूल नहीं किया जाएगा। उत्पाद मचाने वालों से राष्ट्रीय संपत्ति की हानि पहुंचाने और अराजकता फैलाने वाले तत्वों को सहयोग करने वाले लोगों की जाँच कराने तथा नष्ट संपत्तियों का पैसा वसूलने के लिए दायर लोकहित याचिका पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय कोरोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि उग्र आंदोलन से कई सौ करोड़ की सरकारी संपत्ति का नष्ट किया गया है। क्षतिग्रस्त संपत्ति का आकलन कर आंदोलन कर्मियों से पैसों की वसूली की जाए, साथ ही इस आंदोलन में भाग लेने वाले राजनीति पार्टियों पर भी जुर्माना लगाया जाए। उनका कहना था कि इस घटना को समय रहते नहीं रोक पाने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उन पर भी जुर्माना लगाया जाए। वहीं राज्य सरकार का बचाव करते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि इस आंदोलन से निपटने के लिए राज्य सरकार समय के साथ मुस्तैदी थी। सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए थे, लेकिन गलत नीयत से सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की लोकहित याचिका दायर की गई। तो लोकहित याचिका दायर की गई उपद्रव करने वालों के खिलाफ में, लेकिन कोर्ट ने जो है उस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब ये तय हो गया है कि जो लोग भी उपद्रव किए हैं उनसे जुर्माना जो है वो वसूला नहीं जाएगा। जिस तरीके से प्रश्न उठ रहे थे कि इन उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से रेलवे की संपत्ति को उन्होंने नष्ट पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में जो उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई के साथ साथ उनसे जुर्माना वसूला जाए। हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब अग्निपथ पर उत्पात मचाने वालों पर जुर्माना जो है वो वसूली नहीं होगी। बहरहाल इस खबर में आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। मैं रत्नेश पांडे मिलता हूं अगली खबर में, तब तक अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद सभी दर्शकों का।